गुड मॉर्निंग। आज बेटा हम आपको लैब में मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाना सिखाएंगे, ठीक है। पहले सबसे करना क्या है, एम है हमारा टू प्रिपेयर एंड सबमिट मैग्नीशियम कार्बोनेट। हमको रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरा पॉइंट होता है आपका रिक्वायरमेंट का। तो रिक्वायरमेंट दो तरीके बताई गई है, एपरेटस और केमिकल। एपरेटस में हमको ग्लास चाहिए, बीकर चाहिए, हमको ग्लास रॉड चाहिए, ठीक है। ये सारे हमारे ग्लास में सारे। देन आपकी केमिकल की बात करें तो हमें दो केमिकल की जरूरत होगी, मैग्नीशियम सल्फेट की और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और उस बीकर में, उस बीकर में हमको 2.46 ग्राम क्या लेना है, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट हमको लेना है। और उसके साथ हमको क्या करना है, 50 ml वाटर को ऐड कर देना है, ठीक है। और ऐड करने के बाद इस जो बीकर को क्या करना है, हमको हीट बॉइल करना है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में क्या करना है, हमको सेक करना है सोडियम कार्बोनेट। हमको 1.06 ग्राम एक अनदर बीकर लेंगे, उसमें 1.06 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेंगे उसमें, और उसको 50 ml वाटर के साथ ऐड कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम करेंगे, 50 ml वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको हमको एक सेपरेट अलग बीकर लेना है, सेपरेट बीकर लेना है, और उसको भी हमको बॉइल करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, मिक्स बोथ सॉल्यूशन एंड अलाउ स्टैंडिंग फॉर 15 मिनट। दोनों सॉल्यूशन को हमको क्या करना है, मिक्स करना है, ठीक है, और उसको 15 मिनट भी रखते हैं। The precipitate of MgCO3 is formed and filtered dry. हमें जो precipitate आपका MgCO3 का precipitate बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे। रिएक्शन देखिए आप क्या है, MgSO4 plus Na2CO3 and magnesium sulfate, और ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन जब उनकी होगी तो हमको MgCO3 ये इसका precipitate मिल जाएगा, Na2CO4 बन जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या बनाना था, MgCO3 बनाना था, ठीक है। बेटा प्रैक्टिकल करने से पहले हमको सबसे पहले आपको एप्रन पहनना होगा, ठीक है, और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाएंगे आप पहले, देखिए इस तरीके से आपको मास्क लगाना है। और हमको ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल करने से पहले हमको ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, क्योंकि हम केमिकल्स का यूज़ करेंगे तो हम बिना ग्लव्स के हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। कोई भी प्रैक्टिकल आप बिना ग्लव्स, बिना मास्क, बिना एप्रन के आप नहीं करेंगे। देखिए इन्होंने ग्लव्स पहन लिए, अब प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हमको प्रिपेयर करना था मैग्नीशियम कार्बोनेट। सबसे पहले हमने क्या किया, 2.46 ग्राम हमने मैग्नीशियम सल्फेट को वे कर लिया है, और इसको हमने एक बीकर में ऐड कर दिया। देखिए नेक्स्ट में हमें क्या करना है, 50 ml वाटर ऐड करना है। 50 ml वाटर ऐड कर दिया हमने, अब तो इस सॉल्यूशन को हमको बॉयल करना है। इसको हम बॉयल वाटर बाथ में बॉयल होने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट देखिए सेकंड पोजीशन में हमको क्या करना है, 1.06 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है, और उसको 50 ml वाटर से डिजॉल्व कर देना है, ठीक है। इन्होंने 1.06 ग्राम ऑलरेडी वे किया हुआ है, ठीक है, आपको वे करना है, और उसको 50 ml वाटर के साथ हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हमको इस सॉल्यूशन को भी बॉयल करना है। तो इसको बॉयल करिए आप, देखिए इसको बॉयल करने रख दिया इन्होंने। अब दोनों सॉल्यूशन को बॉयल करना है, लेकिन सेपरेट बीकर में। देखिए हमको दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करना है, मिक्स द बोथ सॉल्यूशन एंड अलाउ फॉर स्टैंडिंग। हम दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, देखिए ये मिक्स हो जाएंगे, और इसको हम अभी 15 मिनट के लिए रख देंगे, ठीक है। देखिए 15 मिनट्स के बाद हमें इस सॉल्यूशन को फिल्टर करना है। जब हम इसको फिल्टर करेंगे तो हमको मैग्नीशियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे, ठीक है, और ये हमको मिल जाएंगे। इसको हमको ड्राई करना है, ठीक है, और ये हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट बनके तैयार। देखिए इसको फिल्टर कर लिया, देखिए फिल्टर कर दिया, इसके प्रेसिपिटेट बनके तैयार है।